Now, ladies and gentlemen, I request Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to expatiate upon this epochal moment. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Air Chief Marshal Sahib, Vice Chancellor Sahib, Khawateen Hazrat, main sabse pehle to aapko mubarak deta hu Air Force ko, is university ka, aur ye aapka chautha campus hai. Aur mujhe ilm bhi hai ki aapki jo standard hai wo isme aapne badi मेहनत से अपनी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया, तो उसके लिए भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ. यहाँ तारिक बनूरी साहब बैठे हैं, हायर एजुकेशन के चेयरमैन, और जो आपने वाइस चांसलर साहब बात की कि स्टैंडर्ड्स हमारे हायर एजुकेशन के मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और स्टैंडर्ड्स के अलावा जो कि सिलेबस है, जो जिस तरह की डिग्रीज मिल रही हैं उसके ऊपर भी एक बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से अब प्रोग्रेस कर रही है, और ये जो पीरियड है दुनिया का, ये मोबाइल फ़ोन जब से आया है, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि सालों के अंदर एक दो तीन साल में चीज़ें अब आउटडेट होती जा रही हैं. और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे जो एक नया एक इनकलाब आने वाला है, जिस तरह टेक्नोलॉजी जिस लीप फ्रॉग करने लगी है, जितनी लीप्स एंड बाउंड्स में आगे जाने लगी है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हों जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाएं. तो आपके लिए तारिक बनूरी, आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए एक आप ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में एक वाटरशेड है. क्या हम इस नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हमारे में कैपेबिलिटी है? और लिमिटेड रिसोर्सेज, मुश्किल वक्त है मुल्क का, मुश्किल वक्त आते हैं कौमों के ऊपर, लेकिन क्या हम उस चीज़ को प्रायोरिटी, तालीम को इन रिसोर्सेज के अंदर दे सकते हैं? इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की भी ज़रूरत है. और ये जो बुरे वक्त होते हैं, ये भी अल्लाह एक कौम को, एक इंसान को आजमाता है. ये हमारी आजमाइश के दिन होते हैं, और फिर जैसी एक कौम निकलती है एक आजमाइश से, फिर और वो मजबूत हो जाती है और तकड़ी हो जाती है. तो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे एजुकेशन में, ये इंशाल्लाह आरजी है. हमारी कौम में बड़ा पोटेंशियल है. मुल्क अल्लाह ने एक ऐसा मुल्क दिया है जिसके अंदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स आउटस्टैंडिंग है हमारी. उसकी अगर आपने देखना है तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को देख लें, जब उनको मौके मिलते हैं एक अच्छे सिस्टम में, तो वो कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं. आप अमेरिका में आप चले जाएं, तो क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ देखें किस तरह के लोगों को, अपने नौजवानों को, बच्चों को, जब वो उन सिस्टम्स में पढ़ते हैं और उस सिस्टम में कंपीट करते हैं, तो वो कितनी उनकी अचीवमेंट कितनी ज़्यादा है. तो हमने बेसिकली, हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करना, एक मेरिटोक्रेसी का सिस्टम लेके आना, अपने इदारे मजबूत करना, और फिर तालीम को जो हमने तवज्जो देनी थी वो अब दें, जो हमने माजी में नहीं दी. आज अगर हमारे हालात अच्छे नहीं, तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये कि हमने एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस नहीं दिया. और एक वक्त पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, हमारी मेरी ज़िंदगी में 60s के अंदर हमारी सारी डिग्रीज इंटरनेशनली रिकग्नाइज थी. मिडल ईस्ट से बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे, स्टूडेंट्स इधर आते थे. तो हमारे देखते देखते, क्योंकि हमने एम्फोसिस नहीं दिया एजुकेशन पर, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ह्यूमन डिवेलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो. तो उन्होंने जंग बदर के बाद, जबकि
सारे मुसलमानों के पास हथियार भी नहीं थे, तो तब उन्होंने ये जो तालीम के ऊपर एक कौम का जहन लगाया था कि जब आप कैदियों को वापस करते थे पैसे मिलते थे, रैंसम करते थे, तो उन्होंने कहा कि 10, उस वक्त जब पैसे नहीं थे, बुरे हालात थे, उन्होंने कहा जो 10 मुसलमानों को मक्का का कैदी पढ़ा लिखा देगा तो वो आज़ाद हो जाएगा, वापस जा सकता है। तो एक्चुअली उन्होंने शुरू से ही एम्फोसिस तालीम पर डाल दी थी, और वो जो उन्होंने एम्फोसिस डाली वैसे नहीं, अगले 700 साल तक सारे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को एक सेक्रेट ड्यूटी बना दिया था, इल्म सीकिंग नॉलेज वॉज अ सेक्रेट ड्यूटी। तो हमें उसी तरफ अपनी सोच लेके आनी है, एक पहले सोच आती है फिर आगे फिर अमली तौर पे उस पर फिर लोग चलते हैं। एयर यूनिवर्सिटी का मैंने कैंपस देखा, स्पेस एज का ही कैंपस नजर आ रहा था मुझे। देखिए मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जो चीज़ वो पिक्चर कर सकता है वो हो सकती है। ये जो आपने अभी मॉडल दिखाया, ये जो स्पेस एज का मॉडल था, ये जब आप एक चीज़ तसव्वुर कर लेते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि अशरफुल मखलूकात हैं हम, अल्लाह की सबसे ताकतवर मखलूक, जिसको जब शैतान ने इंसान के सामने नहीं झुका था तो अल्लाह ने शैतान को और फरिश्तों को कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसको इंसान को कितनी ताकत दी है, पोटेंशियल दिया। तो हम अपनी दुनिया जिंदगी गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने हमारे में कितना पोटेंशियल दिया। उसकी वजह है हम ड्रीम नहीं करते, हम बड़ी चीज़ें सोचते नहीं हैं, या हम बड़ी चीज़ें सोचने से डरते हैं, या हम फिर अपनी ड्रीम्स के पीछे जाने से डरते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने ये जो आज जो मुझे पूरी वाइस चांसलर सब आपने पूरी जो बताया कि आप क्या ड्रीम कर रहे हैं कि ये एयर यूनिवर्सिटी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, रेलेवेंट टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो उसकी जो आपने बात की, ये ज़बरदस्त आपकी जो विज़न है, और मैं इसको विज़न को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बड़े इंसानों की विज़न बड़ी होती है, बड़े इदारों की विज़न बड़ी होती है। हमेशा छोटा शुरू होता है, लेकिन जब जितनी बड़ी विज़न हो वो डिटर्मिन करता है आप कितना ऊपर तक जाएंगे। एक इंसान भी जितनी बड़ी उसकी ख्वाब उतना बड़ा इंसान बनता है, रिगार्डलेस कि उसको तालीम कितनी, पैसे कितने, इंटेलिजेंट कितना, असल में आपकी विज़न डिटर्मिन करती है कि आप किधर पहुँचेंगे। और उसी तरह कौमों की भी विज़न होती है। तो हमारे जब माजी के हुक्मरान जब कहते थे कि हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, तो छोटी सी विज़न होती है, एशियन टाइगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी तो विज़न बड़ी देर से है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया था, कि हमने मदीना की रियासत के ऊपर पाकिस्तान को बिल्ड करना है। अब वो क्यों ये विज़न है, क्योंकि वो जो मॉडल था वो ट्राइड और टेस्टेड मॉडल था, उसके ऊपर एक बहुत अजीम कौम बनी, और तो ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है। जो वो मॉडल बना था, कोई वजह थी कि वो वही अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, दो सुपर पावर्स दोनों तरफ थी, और वो कौम उठ के दुनिया की इमामत करी। और ये भी मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि तारीख का हिस्सा था ये ह्यूमन हिस्ट्री है कि 625 में बदर की जंग लड़ी गई, 313 लोग थे, और 636 के अंदर 11 साल के बाद रोमन्स यारमुक के अंदर शिकस्त खाते हैं उन मुसलमानों से, और रोमन्स की जो सदर्न लीजन थी वो 1,00,000 फौजियों की थी। तो 11 साल के अंदर वो कौम ट्रांसफॉर्म हो गई, ये तारीख का हिस्सा है। तो कोई इस जो कुरान में हमें वाजे कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो कोई चीज होगी उनकी जो कुरान हमें कहती है उनकी जिंदगी से सीखो, हमारे भले के लिए। सारी चीजें कुरान में इंसान के भले के लिए, अल्लाह तो खुद कफील है, हमारी बेहतरी के लिए। तो जब मदीना की रियासत की मैं बात करता हूं कि उसकी विजन पे चलो, तो उसकी विजन पहले पिक्चर कर ले वो क्या थी, कि एशियन टाइगर बनाने के लिए नहीं थी, वो विजन थी एक इंसानियत का निज़ाम बना था, ह्यूमैनिटेरियन।
ह्यूमैनिटी को सबसे पहले प्रेफरेंस दी गई थी। एक एक वो टाइम जब पैसे भी नहीं थे लेकिन एक रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, बेवाओं की, यतीमों की, माजूरों की, पहली दफा। फिर पेंशंस मदीना की रियासत में निकली थी। तो पहली चीज इंसानियत और फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, इंसाफ। के जो उनकी सेइंग थी कि कोई भी कोई कानून के ऊपर नहीं है, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक एक कानून ताकतवर के लिए था और एक कमजोर के लिए था। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया, तो दो चीजों के ऊपर, और फिर तीसरी तालीम, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो, ये तीन चीजें थी जो बेसिस बनी मदीना की रियासत। हमारा आज क्योंकि फर्स्ट है, 2019 हमारा मुश्किल साल था, कौमों की जिंदगियों में मुश्किल साल आते हैं। अल्लाह का करम है कि हम कामयाब हो गए स्टेबल करने के लिए अपना मुल्क। बीच में, साल के बीच में बड़ा मुश्किल वक्त आया था जबकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे नहीं, और हमारा रुपया जब गिरना शुरू हुआ तो हो सकता है कि वो रुपया फ्री फॉल में चला जाता। बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारा रुपया स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद कॉन्फिडेंस आया इकॉनमी के अंदर, रिजर्व्स बिल्डअप शुरू हुए, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे लगे। बड़ा मुश्किल 2019 था, इकॉनमी तो स्टेबल हो गई लेकिन हमारी आवाम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। बेरोजगारी, चीज़ें महंगी हो गई। चीज़ें महंगी इसलिए हुई कि जब रुपया गिरा तो जो भी बाहर से हम चीज़ें खरीदते थे वो महंगी हो गई, और उसकी वजह से ख़ास तौर पे पेट्रोल, डीजल, बिजली, और फिर जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, घी, खाने पीने की चीज़ें, वो महंगी हो गई। कई इसलिए कि होर्डिंग शुरू हो गई, जब महंगाई आती तो लोग होर्ड करना शुरू कर देते हैं, उससे भी कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन इंशाल्लाह ये जो आने वाला साल है, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं तो हमेशा समझता था जब क्रिकेट ग्राउंड पे कदम रखता था कि मैच जीत जाऊंगा, वो और बात है कि बड़ी दफ़ा मारें पड़ती थी लेकिन समझता था जीत जाऊंगा। उसी तरह मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान 2020, ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हमें किसी को सही माने में नहीं पता। मुझे भी जब तक मैं इक्तदार में नहीं आया मुझे इतनी समझ थी, पाकिस्तान का पोटेंशियल हर एरिया में है। हमारे पास मिनरल वेल्थ है, हमें ये नहीं पता था कि कितनी पाकिस्तान किस किस्म की मदनियात के ऊपर जखीरों पर बैठा हुआ है, हमें नहीं पता था। हमारे पास जो हमारी ज़मीन है ये सारा हम मिडल ईस्ट को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी पैदावार, क्योंकि हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, हमारी सारे हिंदुस्तान से भी कम हमारी पैदावार है, हमारी यील्ड पर एकर, हमारे जो हम 5-6 नंबर पर दुनिया में हमारी गाय भैंसें हैं लेकिन हम दूध इंपोर्ट, सूखा दूध इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा सबसे कम पर लीटर प्रोडक्शन है, यानी हमारी 6 लीटर एवरेज दूध है गाय का। चाइना में 3 गुना ज़्यादा है, हॉलैंड में चले जाएं तो 4 गुना ज़्यादा उनकी यील्ड है, तो हम दुगनी भी कर दें तो आप सोचें कि इस मुल्क में कितना पोटेंशियल अल्लाह ने दिया है। सिर्फ हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी का हम सही इस्तेमाल नहीं करते। जो मुल्क जिनका पानी हमारे से 20% पे है वो हमारे से ज़्यादा यील्ड्स ले जाती हैं। और फिर टूरिज्म का पोटेंशियल जो सबसे ज़्यादा जल्दी इंशाल्लाह, ये जो हमारा ये जो आने वाला साल है जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, खुशहाली जिसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, नंबर वन टूरिज्म। पाकिस्तान की आपको अंदाज़ा नहीं है कि 2017 और 18 के बीच में दुगनी हो गई हमारी टूरिज्म एक साल के अंदर। जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है टूरिज्म का पोटेंशियल दुनिया अब रिकग्नाइज कर रही है। और टूरिज्म का पोटेंशियल मैं आपको बताऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह की जगह पे पाकिस्तान बैठा है।
अभी जो कॉन्डे नास्ट एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन उसके मुताबिक पाकिस्तान नंबर वन है दुनिया में 2020 टूरिज्म डेस्टिनेशन पे। फिर एक बैकपैकर्स मैगजीन है उसमें उन्होंने नंबर वन स्पॉट पाकिस्तान को रखा है। तो पाकिस्तान को एक दुनिया, जब से ये मोबाइल फोन से जब लोग जाते हैं और फिर तस्वीरें खींच के अपनी फेसबुक पर डालते हैं, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की दुनिया में पब्लिसिटी हो गई है। अब मैं आपको टूरिज्म पोटेंशियल बताऊं और ताकि लोगों को पता चले कि हम सिर्फ चंद मिलियन डॉलर अभी तक हमें बाहर से टूरिज्म में आता है। मलेशिया 20 बिलियन डॉलर्स उनकी टूरिज्म से आता है, सिर्फ उनकी बीच टूरिज्म है। तुर्की का 40 अरब डॉलर आता है टूरिज्म से, और स्विट्जरलैंड जिसका आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज का, आधा है सिर्फ स्विट्जरलैंड। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है स्विट्जरलैंड से दुगने हैं। स्विट्जरलैंड में 80 अरब डॉलर की टूरिज्म है, हमारी सारी एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर की है। कहने का मतलब यह है कि ये एक एरिया है जिसमें हम इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे, जो सबसे तेजी से फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, हमारे मुल्क में हम अब पहली दफा कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं, आसान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। एक कानून फंसा हुआ था हमारा फोरक्लोजर लॉज का, जो अभी लाहौर हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। जैसे वो कानून फोरक्लोजर लॉज का आता है तो हम ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है इसको शुरू कर देंगे, और हाउसिंग के साथ 40 और इंडस्ट्री हैं जो कि चल पड़ती हैं उसके साथ। तो वो इंशाल्लाह मुल्क में एक चेंज के लिए, एक खुशहाली के लिए वो आगे हमारी 2020 में प्लान्स है। सबसे बड़ी बात कि अपने कमज़ोर तबके के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम इस साल अब सबसे पहले हम यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, जो महंगाई का दौर है, उनके लिए हम सारे यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ती चीज़ें देने लगे हैं। फिर हम एक इंसाफ कार्ड लेके आ रहे हैं जो कि सारा गरीब तबके को देंगे, जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट उनको कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स भी होंगी, उनके खाना भी, खाने पीने की भी चीज़ें। फिर हम लंगर खोल रहे हैं कच्ची बस्तियों के अंदर, जो शुरू कर दिए हैं और इसको आगे एक्सपेंड करेंगे। फिर हेल्थ कार्ड्स, एक गरीब घराने एक ख़ानदान को 7 लाख रुपए का एक कार्ड होगा कि वो एक साल तक अपना सारा ख़ानदान के लिए इंश्योरेंस होगी। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में, और कोशिश है कि हम सारा अपना जो गरीब तबका है उनके लिए, बड़ा मुश्किल होता है, बीमारी हो जाती है बेचारा, उनका बजट ख़त्म हो जाता है, सारा खानदान पैसे जमा करके तो मुश्किल से इलाज करवाते। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये पहली दफ़ा कोशिश है सारे हम साल के एंड तक जितना भी गरीब तबका है उसको पहुँचा देंगे। और फिर हमने पनागा, हमने ये जो पहली दफ़ा बेचारे आजकल की सर्दी में लोग सड़कों पर सोते थे, अब हमने सारे पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर कम अज़ कम 14-15 वहाँ बन चुकी हैं, और भी इलाकों में खोल रहे हैं, या लाहौर में खुल गई हैं, इस्लामाबाद में 4 हैं। हमारी कोशिश यह है कि ये जितना भी हमारा जो बेचारे सबसे मजदूर डेली वेजेस, जो उनके लिए सोने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते होटल या कि ठहरने के लिए, इन सब के लिए इंशाल्लाह ये हमने हमारी कोशिश है कि जिन जिन इलाकों में कोई भी लोग बाहर ना सोए उनको खाना मिले। ये सारी चीज़ें हम उस तरफ जा रहे हैं, जो मेरा असल विजन है वो है पाकिस्तान एक फलाई रियासत बने, जो कि बनना चाहिए था, जो हमारा एम था पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह 2020 में हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी तरफ जॉइंट कदम उठाए जाएं कि इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए। मैं आखिर में एयर यूनिवर्सिटी को दुआ करता हूँ कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बने, सारी एयर यूनिवर्सिटीज़ जो चौथी हैं, कि हमारी यूथ के लिए, एक यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान का, दुनिया का सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है कि हम अपनी यूथ को तालीम दें और वो तालीम दें जिससे उनको रोज़गार मिल सके। नमल यूनिवर्सिटी, मुझे ये उसकी सबसे बड़ी चीज़ पसंद है नमल यूनिवर्सिटी की, कि जैसे ग्रेजुएट करते हैं वहाँ हमारे, और सब तकरीबन सब गरीब घरानों के बच्चे हैं, 90% स्कॉलरशिप पे हैं,
जैसे ही वो निकलते हैं 95% को नौकरियां मिल जाती हैं, अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, क्योंकि उनकी डिग्रीज ऐसी और उनकी तालीम अच्छी है। वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह एयर यूनिवर्सिटी भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर वाइस चांसलर सब काम करेगी। मैं फिर से आपको मुबारक देता हूँ।